वही धमतरी जिले में पीएचई विभाग की उदासीनता के चलते जल जीवन मिशन योजना का बुरा हाल है। ग्राम चर्रा में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाकर एक साल पहले बोर खनन किया गया था, लेकिन साल भर बाद भी घरों तक पानी नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में गांव के लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत लेकर ग्रामीण कलेक्टर के पास पहुंचे थे। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल भर से गांव में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाकर घरों में नल कनेक्शन दिया गया है, साथ ही पीएचई विभाग द्वारा बोर खनन भी किया गया, लेकिन अभी तक बोर चालू नहीं हो पाया है। हम लोग विद्युत समस्या लेके आए हैं। नल जल योजना के तहत बोर खनन हो चुका है, पाइपलाइन बिछ चुका है, लेकिन उसमें विद्युत की समस्या है। ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, ट्रांसफार्मर लगाने के लिए पैसा जमा कर चुके हैं विद्युत विभाग में, लेकिन आचार संहिता को देखते हुए सर ने बताया कि आचार संहिता के अंतर्गत अब आपका काम नहीं होगा, अभी आचार संहिता के बाद होगा ऐसा करके। तो हम कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए आए हैं और आवेदन दिए हैं। तो कलेक्टर महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि एक सप्ताह के अंतर्गत हमारा जो विद्युत समस्या है वो हल हो जाएगा। पानी के लिए विद्युत कनेक्शन के लिए आए हैं, और इसके पहले हम खुद बिजली विभाग में जाकर साहब से मिले। वे बताया कि आचार संहिता अभी लगा है, अभी नहीं हो पाएगा, तो उसको हम कलेक्टर महोदय के पास आके अपना विज्ञापन सौंपें और उससे मिले। तो मिलने पर महोदय जी ने बताया है कि अब एक हफ्ता में हम लोगों का जो काम हो जाएगा, नहीं तो फिर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करूँगी। चरा के ग्रामीण लोग आए थे, जो उनके यहाँ जल जीवन मिशन का काम कंप्लीट हो चुका है, उसमें विद्युत कनेक्शन नहीं है, ये शिकायत लेके तो संबंधित एसडीएम को और एसडीओ पीएचई को निर्देश दिया गया है। हम कोशिश करेंगे कि एक हफ्ते में वहाँ पे विद्युत की व्यवस्था हो जाए।